हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। एसएससी ने अभी अभी एक नोटिस इशू किया है जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के रिगार्डिंग है। अब क्योंकि बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का काफ़ी टाइम से ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म का वेट कर रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग एसएससी ने नोटिस इशू किया है। अब जो मेन चीज़ देखने को आई है यहाँ पे, वो आई है कि जो लिंक एक्टिवेट होगा वो 19/6/2023 से 25/6/2023 तक, ठीक है, ये टाइम रहेगा लिंक एक्टिवेशन का। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो अपना एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करके, ठीक है, बच्चे जो है एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ और चीज़ें को भी ध्यान रखेंगे कि बच्चे जो हैं, जो कि और ये जो बच्चे हैं ना सारे, जिन लोगों ने सिलेक्टेड ये स्किल टेस्ट दिया था, एसएससी स्टेनोग्राफर का स्केल टेस्ट दिया था, ठीक है, वो सभी बच्चे इस ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म को भरें, ठीक है, यानी कि सभी बच्चे जिन बच्चों ने सबने स्किल टेस्ट दिया था, ठीक है, सही बच्चों के लिए ये। और जो दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे दो कैंडिडेट्स वो विल फेल टू फिल दैट ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है, ड्यूरिंग द अफोर्सिट पीरियड शैल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उनको दोबारा कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि इसी पीरियड में आप लोग सभी को ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो एक और चीज़ बताइए, ठीक है, कि इट इज़ रीइटरेटेड दैट द कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी, ठीक है भाई। हाँ, वही सब चीज़ें हैं कि भाई कैंडिडेट्स को दोबारा कोई अलग से अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, कि जो बच्चे भूल जाएंगे या रह जाएगा उनको दोबारा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा और उनकी कोई भी ग्रीवेंस नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, ये डेट्स आ चुकी है, 19 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे। कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे एक्टिवेट होगा मैं फटाफट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग बिना किसी गलती के, ठीक है, बिना किसी गलती के करेक्टली ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भर सके, ठीक है। और मैंने लो कट ऑफ पोस्ट भी बता रखी है, ठीक है, और हाई कट ऑफ पोस्ट भी बता रखी है, ठीक है। तो आप लोग, मैं इनके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। और अभी सब लोग, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि एसएससी ने काफ़ी टाइम बाद ये सारी चीज़ें अपलोड करी है, पोस्ट वगैरह, ठीक है, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म। तो अब मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में आप लोगों को ना फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, 15 to 20 डेज में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। अब कोई स्किल टेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा, सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो ध्यान रखें, आप लोग प्रेफरेंस फॉर्म भर दें जो डेट दे रखी है, 19/6/2023 से 25/6/2023 तक। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।